और अब खबर सूरजपुर से है, जहां पर संसदीय सचिव और विधायक ने काला पानी के नाम से मशहूर जिले के ओरछी ब्लॉक के आधा दर्जन गांव से लोगों को साफ शब्दों में कह दिया है कि विकास की मुख्य धारा से अगर जुड़ना है तो गांव का मोह त्यागना पड़ेगा। विधायक के इस अटपटे बयान से ग्रामीण सकते में है। वहीं गांव के बुजुर्गों का कहना है कि वर्षों से वे यहां पर रह रहे हैं, ये उनकी पुश्तैनी भूमि है जिसे वे हर हाल में नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ना चाहते। आपको बता दें कि पहाड़ों पर बसे इन गांव में पंडों, गोड़ और चरवा जनजाति के लोग रहते हैं, जहां आजादी के बाद से आज तक विकास नहीं हुआ है। यहां बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। अन्य जगह पर सेंट्रल जगह पर जाना चाहेंगे तो वहाँ पर आपका दर्शन भी आ सकता है। मतलब जंगल, मतलब कि हम लोग नंदी से बहुत दूर से आते हैं, हम लोग का बहुत तकलीफ है। नंदी पानी नहीं है हम लोग गांव में, न हेड पंप है, न कुआं है, न कुछ नहीं है। इरशाद अहमद, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलशाद, आधा दर्जन गांव के लोग जब अपने गांव को छोड़ देंगे तो कहां जाएंगे? विधायक साहब से ये तो पूछिए, इनके लिए रहने के लिए बंदोबस्त भी किया है क्या? जी, उनका कहा साफ तौर पर यही कहना है कि अगर आपको मुख्य विकास धारा को ढूंढना तो आपको जो आप जहां पर बसे उनको हटा, वहां से हटना पड़ेगा। आप जो समतल जगह पे आना पड़ेगा, चाहे कि जो जो जगह है देखा जाए तो पहाड़ियों में बसा है, नालों के ऊपर बसा है, इसे लेकर वहाँ के जो वहाँ पर लोग जुड़ नहीं पाते हैं, जो सरकारी योजना वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, जिसको लेकर वो अभी तक मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए। यही कारण है कि जब लोग वहाँ से, वहाँ के लोग उनसे मिलने आए तो उनको साफ तौर पर यही कहना है कि वो आपको वहाँ पे मोह त्यागना पड़ेगा, उस जगह को छोड़ना पड़ेगा और समतल जगह में आना पड़ेगा, तभी कहीं आप मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। जिसको लेकर वहाँ के ग्रामीण बहुत ज्यादा उचित भी, जो ग्रामीण को कहना है कि जब हम पूर्वजों से यहाँ रह रहे हैं फिर हम आखिर हम जाएंगे कैसे? हम अगर हमको विकास से ही जोड़ना तो हमें यहाँ पे ही विकास की जो बात, विकास यही भी करना चाहिए, जो भी योजना यहाँ तक पहुँचानी चाहिए, जो सड़क है, पानी है, बिजली यहाँ तक मुहैया कराना चाहिए। लेकिन वहाँ वहाँ तक ही पहुँचाने में भी साफ तौर पर कहा जा सकता है जो विधायक और सरकार विफल नजर आ रही है। शासन की ओर से ना कुछ समतल जगह पर जमीन दी जा रही है, भूमि दी जा रही है जिसपे अपना मकान बना सके, या कोई कच्चा पक्का मकान दिया जा रहा हो सरकार की ओर से, कुछ इस तरह का प्रावधान है? जी, इनके समय अगर ऐसा है तो इसे प्रयास किया जाएगा कि इनको इस तरह ऐसे जगह पे लाया जाएगा जहाँ पे अगर उनकी सहमति बनती है तो इस पर प्रयास किया जाएगा, उसके बाद उनको ऐसे जगह बसाने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो ग्रामीणों का क्या कहना है कि वो क्या इस जमीन को छोड़ सकते हैं? वर्षों से वहां पर रहते आए हैं, पुश्तैनी जमीन अपनी बता रहे हैं, तो क्या पहाड़ों से जमीन छोड़कर ग्रामीण समतल जगह पर आने के लिए तैयार हैं? उनका क्या कहना है, क्या रुख है उनका? ग्रामीणों को साफ तौर पर कहना, इससे पहले वन विभाग के द्वारा भी इस तरह से प्रयास किया गया था कि उनको वहाँ से हटाया जाए, उनको सही जगह पर लाकर बसाने की, समतल जगह बसाने की बात कही है, तो उस समय भी उनका ग्रामीणों को साफ तौर पर मना किया था। विधायक से भी उनका यही कहना है कि हम अपने जो पूर्वजों की जमीन वहाँ पे हम नहीं छोड़ेंगे, हम वहीं पर रहेंगे, चाहे जैसे भी हमको रहना पड़े उसी स्थिति में हम रहने को तैयार है, लेकिन हम वहाँ से जब अपने पूर्वजों की जमीन को छोड़ के आपकी जो बताए अनुसार हम वहाँ पर नहीं आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया दिलशाद जानकारी के लिए।